हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिप्टोवर्स में और मैं हूं आप लोगों का दोस्त आशीष। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है वीकली प्रोग्राम में, जिसको हम लोग कहते हैं वीकली क्रिप्टोवर्स, जो कि है मेरा और आपका फेवरेट। तो इसमें हम लोग एक्चुअली में बात करते हैं पिछले हफ्ते और आने वाले हफ्तों में हुए सभी इवेंट्स के बारे में, और बात करते हैं हम लोग ICOs के बारे में जो कि आने वाले हैं अगले हफ्ते के अंदर, और बात करते हैं हम लोग सभी इश्यूज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे वीडियो, जो कि है इस बार पार्ट नंबर 7। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ आप लोगों का एक छोटा सा दोस्त हूँ, जो कि आप लोगों को डे टू डे लाइफ की इन्फॉर्मेशन से, जो कि है क्रिप्टो यूनिवर्स के बारे में, उनसे अवगत कराता रहता है। तो किसी भी कॉइन या किसी भी ICO में पार्ट लेना या ना लेना टोटली आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन ने पिछले बीते हफ्ते में कैसा किया है। तो बेसिकली हम लोगों को छोटा सा एक डिप मिड वीक के अंदर नजर आया, लेकिन उसने वीकेंड आते आते काफी अच्छा रिकवर किया, और इस हफ्ते भी बोलबाला रहा ऑल्ट कॉइन्स का ही। जहां सबसे बड़ा सितारा निकल के आया इथेरियम, तो वहीं बिटकॉइन भी उससे पीछे नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक बार कि बिटकॉइन जहां पिछले हफ्ते था तकरीबन 9,300 के आसपास, वो इस बार इस हफ्ते रहा तकरीबन 9,750 के आसपास। इवन कल रात हम लोगों ने देखा था इसको 10,000 के आसपास जाते हुए, जो कि 10,000 का पॉइंट बिटकॉइन ने रिजेक्ट कर दिया। और वहीं दोस्तों, इथेरियम ने जहां पिछले हफ्ते उसने शुरुआत करी थी $680 से, और इस हफ्ते हमने उसको देखा तकरीबन $800 तक, जो कि गया था मैक्सिमम तकरीबन $830 और $840 तक। तो बिटकॉइन दोस्तों इस हफ्ते बढ़ा है तकरीबन 5%, और वहीं दोस्तों इथेरियम बढ़ा है 18%। तो ये हुई दोस्तों बिटकॉइन और इथेरियम की बात। आगे चलते हैं हम लोग अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले हफ्ते जो थी पिछले हफ्ते तकरीबन $440 बिलियन, वो इस हफ्ते हमें नजर आई दोस्तों $470 बिलियन पे, और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते भी ये ऐसे ही काम करती रहेगी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ले लेते हैं दोस्तों कि लास्ट वीक क्रिप्टो यूनिवर्स के अंदर वो कौन कौन से इवेंट थे जो कि घटे, या वो ऐसी न्यूज जिन्होंने मार्केट के प्राइस को सपोर्ट किया। तो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज हम लोगों को मिली थी लास्ट वीक में, वो थी कि दोस्तों वेनेजुएला ने इंडियन गवर्नमेंट को 30% डिस्काउंट का ऑफर किया, वो भी क्रूड ऑयल के ऊपर। तो वो दोस्तों करना चाह रहे थे, उनका सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि वो चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उनको पेमेंट करे क्रिप्टो करेंसी पेट्रो के अंदर। देखिए दोस्तों, ये बात थोड़ा सा हजम नहीं होती, या फिर आप कुछ भी कहें इसके बारे में कि एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती तो इसको कर सकती, लेकिन देखिए बाकी दूसरे देशों के साथ, या USA ने जैसे इसको रिसेंटली निगलेक्ट कर दिया था, तो इंडिया भी डायरेक्टली उनके साथ पंगा नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपस में वो 30% की बात नहीं है, बात है कि दोस्ती की, इंडिया और US की दोस्ती में कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ी सी खलल पड़ सकती है अगर इंडिया इसको एक्सेप्ट करता है। देखा जाए तो ये पॉजिटिव भी है इंडिया के लिए और थोड़ा सा नेगेटिव भी है। मैं अपना अगर व्यू प्रेजेंट करूं दोस्तों, अभी तो उन्होंने 30% डिस्काउंट दिया है अपनी पेट्रो करेंसी के ऊपर, लेकिन अगर उनका पेट्रो करेंसी एक हफ्ते के अंदर ही 30% ऊपर हो गया, तो आप खुद सोचिए वो 30% डिस्काउंट जीरो हो गया। जैसे कि हम सभी को पता ही है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में हमेशा रिलेशंस ज्यादा अच्छे रहते हैं, आप चाहे किसी भी वे में उसको लेके जाए। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास कि इथेरियम भी मोनेरो की तरह बिटमेन के अगेंस्ट होने वाला है, जो कि है ASIC रेजिस्टेंस के बारे में, कि इथेरियम भी चाहता है कि ASICs माइनर इथेरियम को माइन ना कर पाए। अगली न्यूज है दोस्तों कि ईस्टर्न यंग के CFO ने प्रिडिक्ट किया है कि ब्लॉकचेन पूरी इंडस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर सकती है, यानी कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बिल्कुल चेंज करके रख सकती है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो दोस्तों अगली जो न्यूज निकल के आई वो थी EOS से रिलेटेड, कि EOS का मार्केट कैप जो है वो हो गया है SpaceX से भी ज़्यादा। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग बात करें EOS की, तो उनका अभी तक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, ये लोग इस मार्केट के बहुत बड़े जाइंट्स हैं, बहुत बड़े वेल्स हैं। तो अगर EOS का बैकग्राउंड हम लोग चेक करें दोस्तों, तो इनका बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है BitShares जैसी एक्सचेंज से। दूसरा, ये और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे ये लोग जुड़े हुए हैं। ये इतनी बड़ी वेल से ये लोग जब मर्जी चाहे अपने ICO या अपने किसी भी प्राइस को ऊपर या नीचे कर सकते हैं।
इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो दूसरी न्यूज़ निकल के आई दोस्तों यूएस से, कि यूएस के अंदर आईसीओ मार्केट का उन्होंने हवाला देते हुए बताया कि हमें सीखना चाहिए कि आईसीओ की जो अनरेगुलेटेड मार्केट है सिक्योरिटीज से रिलेटेड, वो किस तरह से रन कर रही है और किस तरह से लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। और वही दूसरी न्यूज़ निकल के आई दोस्तों बिल्कुल ईस्टर्न वर्ल्ड यानी के जापान से, तो उन्होंने कुछ रेगुलेटर से कहा, उनको प्रेशर किया कि वो लोग चाहते थे कि जो प्राइवेसी कॉइन्स है उनको जापान से हटाएं, क्योंकि देखिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि प्राइवेसी कॉइन जैसी चीज़ मार्केट में रहे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोग कोई भी प्राइवेसी टाइप की ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि ये किसी भी अर्थव्यवस्था किसी भी कंट्री के लिए ये चीज़ ड्रास्टिक साबित हो सकती है। और दूसरी तरफ दोस्तों चार्ली ली ने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि हो सकता है कि वो फ्यूचर के अंदर लाइट कॉइन से दूर हो जाए। दोस्तों यही लाइट कॉइन अगर इससे दूर हो जाएंगे तो इसके प्राइस को कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा धक्का लगेगा, जैसे कि हम लोग रिसेंट में ही देख रहे हैं कि सभी कॉइन्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, एक हम लोगों ने लाइट कॉइन के प्राइस को बढ़ते हुए नहीं देखा है। लाइट कॉइन कहीं ना कहीं प्रेशर में नज़र आ रहा है। और एक न्यूज़ थी दोस्तों कि यूनिसेफ माइनिंग कर रहा है क्रिप्टो अपनी वेबसाइट के थ्रू, और वो चाहते हैं कि उस क्रिप्टो माइनिंग के थ्रू वो पैसे को डोनेट करें बांग्लादेशी बच्चों को जो कि काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने भी अपना तकरीबन 5 घंटे के लिए अपने लैपटॉप की तकरीबन 50% पावर उनको दी ताकि वो लोग कुछ कॉइन माइन कर सके। अगर इसी तरह से हम लोग 2 घंटे 3 घंटे उनको अगर दे सकें तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए हो सकता है कुछ काम कर जाए। तो आप भी इस कॉज के साथ जुड़िए तो हो सकता है कि आप कुछ अच्छा उनके लिए कर सकें। तो इसी हफ्ते में दोस्तों दो हमें प्रिडिक्शन नज़र आई इथीरियम से रिलेटेड। एक निकल के आई थी कि इथीरियम का प्राइस जा सकता है तकरीबन $2,500, और वही रेडिट के को फाउंडर ने बताया कि इथीरियम का प्राइस इस साल के एंड तक हमें 15,000 जाते हुए नज़र आ सकता है। तो दोस्तों $15,000 कैसे जा सकता है, आप भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि आप देखें तो जिस हिसाब से वर्क कर रहे हैं, जिस हिसाब से उसके अंदर चीज़ें चल रही हैं, तो वो कभी भी रीसेंट स्टेज पे भी वो 1,000 को जब मर्जी क्रॉस कर सकता है और 1,500 तो उसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो 2,500 तो मुझे बड़े आराम से लगता है कि हो जाएगा, 15,000 का फिगर थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वहीं दोस्तों CFCTC ने ऐलान किया है कि पंप एंड डंप के बारे में बताने वाले लोगों को वो लोग बाउंटी प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो भी पंप एंड डंप जैसी चीज़ें इस टाइम पे चलाते हैं उनके बारे में अगर हम लोग CFTC जो कि है कॉमोडिटी से रिलेटेड एक संस्था, उनको अगर बताएंगे पंप्स एंड डंप्स ग्रुप्स के बारे में तो वो हम लोगों को कुछ बाउंटी प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे। और अगली न्यूज़ है दोस्तों रॉजर वर से रिलेटेड ही, कि bitcoin.com के ऊपर एक केस किया गया है जो कि 800 से ज़्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया है कि bitcoin.com BCH को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन कैश ही रियल बिटकॉइन है। तो कुछ लोगों को नुकसान हुआ है इस चीज़ से, तो इसी वजह से उन लोगों ने उनके ऊपर केस किया है। और देखने वाली चीज़ होगी दोस्तों कि इस टाइम पे रॉजर वर कैसे वो इस मुसीबत से निकलेंगे। और एक नई न्यूज़ निकल गया है दोस्तों कि बिटकॉइन के स्मार्ट नोट्स निकल गया है सिंगापुर के अंदर, जो कि हम लोगों ने देखे क्रेडिट कार्ड साइज़ के कुछ बिटकॉइन नोट्स हैं। तो और अगर उसकी टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैं मंगा सकूँ और उसके ऊपर प्रॉपर एक रिव्यू में आप लोगों को लेके आ सकूं और आप लोग उसको एक्चुअली में देख सके कि वो किस तरह से वर्क करता है, प्रॉपर उसके वर्क और प्रॉपर उसकी जानकारी आप लोगों को दे सकूं। तो अगर नॉर्मली जाने दोस्तों तो वो एक तरह से कोल्ड स्टोरेज है या फिर आप कहें उसे तरह से लेजर नैनो जैसा है, और लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया है। एक रिसेंट की ही न्यूज़ के मुताबिक दोस्तों एक इंडियन कंपनी और है जिसने हाई कोर्ट में RBI के अगेंस्ट एक केस किया है फिर से उनकी क्रिप्टो करेंसीज की मनमानी के तहत। और एक न्यूज़ के अनुसार दोस्तों गोल्डमैन सैक्स स्टार्ट करने वाले हैं बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग में। दोस्तों वो लोग जो इतनी दिन से शोर मचा रहे हैं कि हम लोग बिटकॉइन में जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, फाइनली उन्होंने रिवील कर दिया कि वो लोग बिटकॉइन फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करेंगे। तो फ्यूचर्स बेसिकली है क्या चीज़, मतलब वो लोग बिना बिटकॉइन को हाथ लगाए बिना उसके अंदर ट्रेडिंग करे पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों CFTC के चेयरमैन ने बोला है कि इस जनरेशन को हमें रिस्पेक्ट देना होगा जो कि इंटरनेट जनरेशन है और बिटकॉइन जनरेशन है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बात ही सही है, क्योंकि इस नई जनरेशन को कुछ नई चीज़ चाहिए
अगर गवर्नमेंट्स उनको दबाने की कोशिश करेंगे ये उतना निकल के आएंगे। इथेरियम से न्यूज़ निकल के आई थी इसी हफ्ते कि शार्डिंग स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों शार्डिंग की अगर हम लोग बात करें कि शार्डिंग के अंदर क्या होता है, शार्डिंग में एक मेन ट्रांजेक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग नोड से उसको वेरीफाई कर लिया जाता है ताकि सारी प्रोसेस, सारी की सारी माइनिंग प्रोसेस है वो ईजीली हो जाए। तो शार्डिंग का यही पर्पज़ है ताकि इथेरियम का जो प्रॉब्लम है, स्केलेबिलिटी इशू है, वो लोग इसको रिजॉल्व कर सकें, और जो कि रिजॉल्व होता हुआ नज़र भी आ रहा है दोस्तों। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दोस्तों, जो कि है फड ऑफ द वीक। दोस्तों फिर से मिस्टर बुफेट ने बोला कि बिटकॉइन कोई इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ नहीं। दोस्तों मैं भी यही कहूँगा, इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ नहीं है। अगर इसी तरह से हम लोग लॉजिकली बात करें तो गोल्ड भी कोई इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। अगर हम लोग देखें तो दोस्तों गोल्ड बेसिकली काम कहाँ आता है हमारे, हम गोल्ड को कहीं रियल लाइफ में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ एक ज्वेलरी के अंदर, एक हम लोग अपनी वैल्यूएबल थिंग के अंदर। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है तीसरा पॉइंट और होता है हमारा अपकमिंग क्रिप्टो इवेंट्स क्रिप्टो यूनिवर्स में। 14 तारीख को दोस्तों ट्रिगर अपना टेस्ट नेट डेमो देने वाला है कंसेंसस इवेंट के अंदर। तो दोस्तों इसके ऊपर नज़र रखें। बिटपे की अगर बात करें दोस्तों, इनकी वेबसाइट का लॉन्च है। पोनम, पॉलीमैथ, सिविक, वी चेन, सॉल्ट, स्टीम, AION, एनिग्मा, ट्रिगर और भी बहुत सारे मिलके कंसेंसस इवेंट के अंदर पार्ट लेने वाले हैं, जो कि हो रहा है न्यूयॉर्क के अंदर। देखिए दोस्तों ये वही इवेंट है जहां से ईओएस और इथेरियम बैकआउट कर चुके हैं। तो ये जितने भी कॉइन यहां पे पार्ट ले रहे हैं तो इस इवेंट में हमें देखना पड़ेगा, इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस जिस कॉइन को या जिस जिस प्रोग्राम को जितना ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा उनको फंडिंग करेंगे, उतना ज़्यादा उनका कॉइन ऊपर जाने वाला है। तो इनमें से किसी ना किसी कॉइन को आप लोग लेके रखें और हो सकता है आपको वो कुछ अच्छा दे दे। दूसरी तरफ दोस्तों वर्टेसियम की एक मीट है जो कि है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही 14 तारीख को ही। और बात करें अगर 15 तारीख की दोस्तों, बेलियस का दोस्तों वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि उसका है मॉडल रिलीज। FIDNTEX यानी कि FDX दोस्तों का ट्रेडिंग और प्लस एयरड्रॉप कैंपेन शुरू होने वाला है इसी वीक ही। उसी तरफ दोस्तों ई बूस्ट यानी कि EBST का स्नैपशॉट है एलरिस एयरड्रॉप के लिए, तो इसका प्राइस भी दोस्तों हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। बिटकॉइन कैश का प्रोटोकॉल अपग्रेड है जो कि है इसका हार्ड फोक कहे या सॉफ्ट फोक कहे एक ही बात है, क्योंकि इनका सिर्फ कॉइन को ये लोग अपडेट कर रहे हैं, तो हार्ड फोक कहना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। बिट वाइट ऐड कर रहा है अपनी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के अंदर, और क्राउड कॉइन दोस्तों CRC मास्टर नोड के अंदर एंटर करने वाला है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी आप बिल्कुल नजर रखें, मास्टर नोड कॉइन है तो आपको थोड़ा सा इस टाइम पे प्रॉफिट दे सकता है। कार टैक्सी टोकन का मंथली टोकन बोनस है और टोकन बर्न है इसका, तो इसके ऊपर भी नजर रखें दोस्तों। रुपे RUPX व्हाइट पेपर अपडेट होने वाला है। एनिग्मा जिले का MyBit टोकन मिलके एक न्यूयॉर्क के अंदर मीटअप में पार्ट लेने वाले हैं। मीडिया चेन की बात करें तो दोस्तों वो एक टेक फेयर के अंदर स्पीक करने वाले हैं जो कि है बर्लिन जर्मनी के अंदर 16 तारीख को ही। दोस्तों लिस्क, ईथर पार्टी, स्टोरेज, को फाउंडेड, स्टीम और भी बहुत सारे टोकन या कॉइन मिलके टोकन समिट में पार्ट लेने वाले हैं जो कि है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही। पीपल का एक न्यूज आने वाला है दोस्तों 16 तारीख में ही, वो लोग TXF ट्रेड के अंदर एम्स्टरडेम में पार्ट लेने वाले हैं। बिटकॉइन और क्रेडिट्स और भी बहुत सारे टोकन मिलके मोनाको इंटरनेशनल ब्लॉकचेन इवेंट्स के अंदर पार्ट लेने वाले हैं। बात करें अगर 17 तारीख के दोस्तों, ह्यूमैनिक यानी कि HMQ ह्यूमैनिक चैलेंज कंपटीशन प्राइवेट स्क्रीनिंग करने वाला है। और 18 तारीख को ही दोस्तों IXE RLC का 2.0 रिलीज है, और दोस्तों ये काफ़ी बड़ा अपडेट माना जा रहा है और डेट अभी एस्टिमेटेड है, हो सकता है एक आध दिन आगे या पीछे हो जाए, लेकिन ये कन्फर्म है कि इसी वीक में होने वाला है। बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, कैश और भी बहुत सारे कॉइन मिलके कॉइन गीक BCOM कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने वाले हैं जो कि है हांगकांग के अंदर। तो इस हफ्ते दोस्तों ज़्यादा इवेंट्स नहीं है, बहुत कम इवेंट्स है, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा कॉइन्स के ऊपर भी नज़र रखनी नहीं पड़ेगी। 19 और 20 तारीख को कुछ ऐसे मुझे खास इवेंट्स लगे नहीं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाले भी नहीं है दोस्तों आप लोगों के लिए। मेरे हिसाब से इस वीक में हम लोग ध्यान दे सकते हैं ट्रिगर कॉइन के ऊपर, IX कॉइन के ऊपर और रिबेलियस कॉइन के ऊपर। और इसके अलावा ही दोस्तों कंसेंसस इवेंट के अंदर जो भी कॉइन पार्ट ले रहा है उसके ऊपर भी नजर रखें, कभी भी उन कॉइन के प्राइस बूम हो सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है सजेस्टेड कॉइन्स, जो कि हम लोगों ने आप लोगों को बताए थे 21 अप्रैल की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले था MWOT, कि उसका प्राइस 21 तारीख को था तकरीबन 0.039 सेंट,
और वो अपने इवेंट वाले दिन यानी कि 1 तारीख को 6.067 तक गया था, जबकि वो मैक्सिमम 30 तारीख को यानी कि एक दिन पहले तकरीबन गया था 0.075 तक। और बात करें अगर क्रेडिट्स की दोस्तों, क्रेडिट भी हम लोगों ने सजेस्ट किया था आप लोगों को 21 तारीख को था तकरीबन 54 सेंट का, और अपने इवेंट डे यानी कि 1 तारीख को ये था 65 सेंट्स का, जो कि 25 तारीख को मैक्सिमम गया था 79 सेंट्स। और हम लोगों ने आप लोगों को सजेस्ट किया था एप कॉइन जो कि था तकरीबन 21 तारीख को 47 सेंट का, और अपनी इवेंट डेट यानी कि 2 तारीख को ये गया था 70 सेंट तक, और 30 तारीख यानी कि एक दिन पहले ये गया था 77 सेंट तक। बात करें अगर इथेरियम की दोस्तों, तो और इथेरियम 21 तारीख को जहां पर था $584 के ऊपर, वहीं वो 3 तारीख यानी कि अपनी कॉन्फ्रेंस डे के दिन 3 तारीख को वो था $768, और मैक्सिमम यानी कि अभी कल ही उसका प्राइस $830 तक गया था, क्योंकि इन्होंने जो प्रिंट के अंदर बोला कि शार्डिंग हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उसकी वजह से प्राइस इनका और हाइक हो गया। के बाद है बिटबे दोस्तों, बिटबे ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, 21 तारीख को ये था तकरीबन 0.063 सेंट का, और 1 तारीख को ये था 0.068 सेंट का, और 24 तारीख तक ये गया था तकरीबन 0.085 सेंट तक। दोस्तों अगर आप देखें कि एक्चुअली में हम लोग कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे, कोई हम लोग इन डेप्थ जानकारी नहीं ले रहे, सिर्फ अगर हम लोग कुछ चुनिंदा कॉइन्स को उठाए और उनके उस मंथली इवेंट को चेक करें कि उनके मंथली इवेंट क्या क्या है और उनके अंदर पार्ट ले, तो कहीं ना कहीं हमको काफ़ी अच्छा गेन हो सकता है। मेरा यही कहना दोस्तों कि न्यूज़ ड्रिवन कॉइन उठाए ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो ही हो, और देखिए हमेशा न्यूज़ ड्रिवन कॉइन को 4 से 5 दिन का टाइम दे ताकि वो आप लोगों के लिए कुछ अर्निंग करके दे सके। अगले पॉइंट की तरफ चलते दोस्तों, हमारा छठा पॉइंट कि अपकमिंग ICO सेल कौन कौन सी इस वीक। तो दोस्तों इस हफ्ते मुझे कोई ICO खास लगा नहीं, तो इस हफ्ते मैं आप लोगों के लिए कोई ICO नहीं लेके आया हूँ, के लिए माफ़ करें दोस्तों। नंबर 7 दोस्तों कि वीकली क्वेश्चंस क्रिप्टोवर्स के अंदर जो कि लोगों ने पूछे इस बार थे 4 अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। मिस्टर किशन बहादुर कहते हैं कि एंट L3 के बारे में एक पूरा वीडियो बनाइए, और उन्होंने एंट S9 और एंट S7 के अंदर काफ़ी अच्छा गीगा हैश पावर ले रखी है। तो देखिए किशन जी, मैं आपको बताऊँ तो एंट L3 के अंदर आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिटकॉइन से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और आप कहीं ना कहीं बिटकॉइन से ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। और सैमियो सर इस हफ्ते पूछते हैं कि आप एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाएं। सैमियो सर मैं आपको बताऊं तो टेक्निकल एनालिसिस में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लोग बेशक अपने आप को कहते हो कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं खुद क्लियरली बोलता हूँ कि मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। मुझको यही कहूँगा कि अगर हम लोग बात करें कुछ बड़े लोगों की या कुछ वैज्ञानिकों की, साइंटिस्ट की, तो वो कभी भी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर नहीं जाते, वो टेक्निकल एनालिसिस को उतना सटीक मानते ही नहीं है कभी भी। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस हमारा और आपका एक तरह से नेचर प्रेजेंट करता है कि जब हम लोग खुश होते हैं तो हर एक चीज़ का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और जब हम लोग दुख होते हैं या किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते हैं तो उसका इंडेक्स नीचे जाता है। तो बस यही टेक्निकल एनालिसिस होता है दोस्तों, मेरे हिसाब से हमेशा न्यूज़ के साथ में चाहिए तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं मैंने देखा है काफ़ी मैक्सिमम उनके कॉल ख़राब जाते हैं, कोई एक आध तुक्का फिट हो जाता है तो हो जाता है। क्रिप्टो हाईवे वो कह रहे थे कि उनको नियॉन वॉलेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा था गैस क्लेम करने के अंदर। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ, नियॉन वॉलेट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आती है कि वहाँ पे गैस क्लेम करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आप अगर गैस क्लेम करना चाहते हैं थोड़ा सा तसल्ली रखें तो आपको बिल्कुल गैस मिलेगी। और रही बात टोकन्स की, तो अगर आपके पास टोकन्स हैं आपके नियॉन वॉलेट के अंदर तो वो आपको बिल्कुल दिखाएगा। अगर आपके पास टोकन वॉलेट नहीं है तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके नीचे टोकन बैलेंस के अंदर 000 सारे टोकन के नाम बताएगा, और फिर धीरे धीरे करके उनको हटा देगा क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं लगती उसमें। और इस बार का बेस्ट क्वेश्चन था मिस्टर योगेश काले जी का, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट बेनिफिट्स डज ऑप्शन ऑफर ओवर अदर सिक्योरिटी टूल्स। योगेश जी मैंने आपको वैसे रिप्लाई भी कर दिया था, और देखिए अगर हम लोग बात करें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है सर, इसके बहुत सारे एक्सपेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ब्लॉकचेन हमारी डे टू डे लाइफ को आसान करने की कोशिश कर रही है, जैसे हमारे यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं किसी भी, अगर आप बैंकिंग की बात करें, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें, किसी भी चीज़ से फाइनेंशियल से भी रिलेटेड अगर आप बात करें,
तो उस चीज़ को हमारी ब्लॉकचेन बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकती है। क्यों रिजॉल्व कर सकती है? क्योंकि एक एक स्टेप, एक एक चीज़, एक एक एंट्री क्लियरली आपको नज़र आएगी, आपके सामने होगी। और यही चीज़ हम लोगों की और आपकी गवर्नमेंट नहीं चाहती है। देखिए, जो गवर्नमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लियर होगी, वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगी, और वो इसको भी एक्सेप्ट वहाँ पे करेगी जहाँ पे वो लोग बच सके। जैसे कि हम लोगों ने देखा ही है रिसेंट में। देखिए, मैं किसी को प्रेज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को गलत बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर एक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ गलत करती है, तो इन्होंने भी गलत किया है। तो ये लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं बचाना चाहते हैं, किसी ना किसी फिगर में बचाना चाहते हैं। और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर लेके आएंगे, ताकि आप लोगों की ट्रांजेक्शन ईजीली हो जाए। और इसके ऊपर वो लोग आप लोगों से अच्छा खासा फिर चार्ज करेंगे। वो कहेंगे कि हम लोग आपको इंस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से योगेश जी, आपके इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि पीयर टू पीयर हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है ब्लॉकचेन। दूसरा, हमें एनर्जी सिस्टम में, स्टॉक्स मार्केट के अंदर, वोटिंग सिस्टम के अंदर, और काउंटिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी के अंदर, और बात करें अगर सप्लाई चेन के अंदर, और अगर बात करें हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, हम लोगों को ब्लॉकचेन डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो योगेश जी, मेरे हिसाब से आपका आंसर, अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इसी तरह के दोस्तों, आप लोग भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछिए, ताकि आप लोगों को और हम लोगों को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ जानकारियाँ मिल सके। तो योगेश जी, आप इस बार के विनर हैं अपने वायरलेस चार्जर के। तो आप प्लीज़ अपना एड्रेस ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जो कि है 8वां टॉपिक है, टिप ऑफ द वीक। तो मिस्टर जॉन बॉल बोलते हैं कि लर्न एवरी डे बट स्पेशली फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर इट्स चीपर। यानी कि दोस्तों, दूसरों से सीखे हर रोज़, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है और ज़्यादा ईजी है। तो दोस्तों, आज के इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद।